हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप लोगों को इंतजार था कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना आई है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसी सूचना को मैं आप लोगों के सामने भी लेके आया हूं। तो चलिए सूचना देख लेते हैं सबसे पहले, और ये जान लेते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। डेट तो आपको पता ही है कि आपकी एग्जाम की डेट है 19 जुलाई, और उससे पहले बहुत जरूरी होता है एडमिट कार्ड का आना। एडमिट कार्ड का आना ये निश्चित कर देता है कि अब आपका एग्जाम होगा। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में इस एग्जाम डेट के साथ साथ ये आउट किया गया है कि एडमिट कार्ड कौन से दिन से डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब आप ये तो 100% है कि अब आपका एग्जाम होगा ही होगा 19 जुलाई के लिए, आप बिल्कुल तैयार हो जाए। तो आइए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या है कि यहाँ पर देखो आपका जो पेपर है वो 19 तारीख को है, फिर 20 को है, 21 को है और 22 को है। इस तरह से तीन दिनों में, यानी 19, 20, 21, 22, चार दिनों में आपसे पेपर लिया जा रहा है पूरा, है ना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो है आपकी ये, यहां से मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा दूंगा, ऐसे तो आप थोड़ा सा समझ जाओगे। तो देखो एडमिट कार्ड के संबंध में क्या कहा गया है, पहले आप याद रखो कि सबसे पहले आपका 19 जुलाई को पेपर है, और वह पेपर है आप लोगों का 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में, है ना। और शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के लिए, यानी सबसे पहले 6 से 8 के लिए पेपर है। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू वाले, ठीक है, वो अपने आप की तैयारी कर ले, सबसे पहले आपकी ही परीक्षा होनी है, है ना। इसके बाद 20 जुलाई को पेपर होना है 1-5 वालों का, है ना। उसमें सामान्य, उर्दू, बांग्ला, शिक्षा विभाग के जितने भी पद हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से जो पद आते हैं ना, उसके पदों की भी बात कर रहा हूं, तो वो भी 1-5 है। रविवार की देखें तो रविवार में आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर सामाजिक विज्ञान ये दे रखा है, हिंदी, बांग्ला, तो शिक्षक वर्ग 9 या 10, यानी टीजीटी का पेपर आप लोगों का 21 तारीख को है, और वो भी सब दे रखा है, हिंदी का, बांग्ला का, उर्दू का, संस्कृत का, अरबी का, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान, है ना। सभी शिक्षा विभाग के पद भी है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में जिन्होंने 6 से 10 के लिए जो फॉर्म भरे हुए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा का पेपर भी उसी दिन होगा, ध्यान रखना, है ना। और परीक्षा की जो तिथि है ये आपको पता है, ये 2 पाली में होना है। प्रथम पाली 9:30 से 12 होगी और दूसरी पाली 2:30 से 5 होगी। देखो जो 19 और 20 का जो पेपर है ना, वो तो एक ही पाली होना है, यानी 12 से लेकर 2:30 बजे तक, लेकिन यहाँ पर पाली थोड़ी चेंज हो गई, तो जल्दबाजी में भूलना मत के जो 21 वाले हैं वो भी 12 बजे पहुंचे, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि 9:30 से लेकर 12 है और दूसरी पाली जो है वो 2:30 से लेकर 5 है, है ना। और फिर आखिरी जो पेपर होने वाला है वो है पीजीटी वालों के लिए, 11 और 12 वालों के लिए, वो देख लीजिए, शिक्षा विभाग के सभी पद है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के भी पद है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग, ठीक है, 6 से 8 के लिए, कंप्यूटर संगीत और कला विज्ञान कला विषय का भी पेपर आप लोगों का 22 तारीख को होगा। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है कि 6-8 का पेपर आपका 19 को होना है, 1-5 का पेपर 20 को होना है, टीजीटी का पेपर यानी 9 और 10 का पेपर 21 को होना है, और पीजीटी का पेपर आपका 22 को होना है। आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दूंगा, तो आपको शायद थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में दिख जाए, है ना। और ये नोटिफिकेशन को मैं अपने ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा, है ना, यानी उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 9/7, यानी कब की बात हो रही है, 9 जुलाई की बात हो रही है, 9 जुलाई, ठीक है। तो 9 जुलाई को आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, और कल बहुत ही महत्वपूर्ण एक पेपर है जिसे हम सीटेट कहते हैं, है ना। तो जो भी सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं उनकी भी मेरी तरफ से बहुत बहुत एक तरह से मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर बड़ा अच्छा हो, क्योंकि सीटेट एक पड़ाव है और जिसको पास करने के बाद आप विभिन्न शिक्षा की परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं और आप एक बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए ना।
तो 9 जुलाई बस दो दिन के बाद यानी मंगल के आसपास से आपके फॉर्म या आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और इससे रिलेटेड अगर और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो एग्जाम तक, क्योंकि 19 तारीख को एग्जाम है और अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन बचे हैं, तो इन 7 दिनों में आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछ रहा है, अगर आप किसी की मैराथन चाहते हैं तो भी आपके लिए मैराथन लेके मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आऊंगा। कल मैं आपको पर्यावरण की पूरी एक मैराथन दी थी रात के 10 बजे और आज भी आप लोगों के लिए एक शानदार मैराथन लेके आ रहा हूं पॉलिटी की। इसी प्रकार से हम 19 तारीख तक लगातार अलग अलग विषयों की कंटिन्यूसली आपके लिए मैराथन लेके जरूर आऊंगा। तो आप निश्चित रूप से पढ़ें और अगर आपको जल्दी जल्दी कोई भी सिलेबस अगर आपको रिवाइज करना है ना, तो रिवाइज करना है तो आप रिवीजन का भी 200 रुपए का मात्र एक बैच है, उसको भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं कि लास्ट टाइम पे हमें क्या क्या रिवीजन करना है, पीडीएफ क्या देखी ना, सारी पीडीएफ वहां पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे रखा है। इसके अलावा जो 19 तारीख का पेपर नहीं दे रहे, मैं उन सब लोगों से नहीं कह रहा हूं जो 19 तारीख को पेपर है, जो केवल बीपीएससी 4.0 के लिए ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास सेल है, केवल आज 12 बजे तक है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स 1113 रुपए का मात्र मिल रहा है इस समय पर, DSSB का कोर्स, EMRS का कोर्स, CTET और STET का और UPTGT PGT का भी कोर्स आपको बहुत ही न्यूनतम पैसों में मिल रहा है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। साथ ही साथ हमेशा हर एक टीचर की यहाँ पे गाइडेंस भी आप लोगों को मिलती है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं और कोई भी चीज आप उनसे पूछ भी सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने आप लोगों को दे दी, आपको साझा कर दी आप लोगों के साथ। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर बताएं और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सबसे पहले जरूर बताएं, और साथ ही साथ एग्जाम की तो आपको भी शुभकामनाएं। इन समय को आप बहुत ही अच्छी तरह से जियो, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लेना है और कभी भी ये नहीं सोचना है जो नया पढ़ रहे हो कि पीछे का हमें कुछ नहीं याद हो रहा है, वो ऐसा रहेगा सब लोगों के पास। एंजाइटी से बचें, थोड़ा सा खाना वाना ठीक खाएं, ज्यादा बाहर का ना खाएं, क्योंकि इस समय पर पेट खराब होना, बुखार आना, ये सामान्य घटनाएं होती हैं पेपर से पहले। तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, सुबह सुबह योगा कर लें, बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।